जैन दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश त्यागी। आई एम ए बॉलीवुड एक्टर। आई हैव डन मेनी फिल्म्स। टुडेज सब्जेक्ट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। इट हैज क्रिएटेड नेशन वाइड स्टायर एंड कॉन्ट्रोवर्सी इन ऑल द क्वार्टर्स एंड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, पर्टिकुलर इन द पॉलिटिकल वर्ल्ड। एंड व्हाई कश्मीर फाइल हैज गिवन सच ए इम्पॉर्टेंट एक्सपोजर, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा होलोकास्ट, जेनोसाइड, नरसंहार पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस शासन ने उसको दबा के रखा हुआ था। इतिहासकारों ने उसको आगे नहीं आने दिया था। कश्मीर पंडितों को जनवरी 1990 में जिस प्रकार से वहां से निकाला था और जिस प्रकार से उनके साथ, उनकी कन्याओं के साथ बलात्कार किया गया था और लोगों को मारा था, 1 लाख से लेके 5 लोग कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर निकल के आए और हमारे शासन व्यवस्था में चू तक नहीं हुई। तो ये जो विडंबना है, इसको लेकर के मैं समझता हूं बहुत से कश्मीरी पंडित, हिंदुस्तानी ये जानने के लिए उत्सुक था, हुआ क्या, कितने लोग निकले और ऐसा क्या कारण था कि वहां से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, हत्या की गई, नरसंहार किया गया, जीरोसाइड हुआ, होलोकास्ट हुआ। लेकिन इसके लिए साहस चाहिए था और ये साहस हमारे दोस्त विवेक अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल्स बना करके पूरे देश को, क्या पूरे विश्व को दिखा दिया है कि क्या होती है हिम्मत। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो उन्होंने हौसला दिखाया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो अभिव्यक्ति के आजादी के चैंपियन ठेकेदार, जो बोलते हैं कि फिल्म को रिलीज करना चाहिए, आज वो इसी फिल्म की खिलाफत कर रहे हैं। केरला कांग्रेस ने इसका खिलाफत करी और कांग्रेसी ने ट्वीट्स किए, जो हमारी निर्मला सीतारमन जी ने आज पटल पे कहा, ट्वीट्स करके इसकी खिलाफत करी। तो मैं समझ रहा हूं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सियासी खेल था तुष्टिकरण का, जिसको अंग्रेजी में अपीसमेंट कहते हैं। शाहबानो का केस आप जानते हैं, जिस प्रकार से राजीव गांधी ने शाहबानो केस को पलट करके और एक ऐसा एक्ट निकाला जिसमें बिचारी शाहबानो, जो 75-80 साल की वृद्ध महिला थी, उसके मेंटेनेंस राइट्स को उससे वंचित किया गया और उन्होंने एक्ट निकाल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अंडू किया ताकि उनका वोट बैंक महफूज रहे। इस वोट बैंक के पीछे कश्मीर में, देखिए कश्मीर जो है ये मुनि कश्यप जी से आता है। इसके अंदर बुद्धिज्म, सिखिज्म, चाइन, मतलब तमाम ऐसे ऐसे मजहबों का इन्फ्लुएंस है और वहां पे एक सेकुलर सोसाइटी थी, लेकिन उसको खत्म कर दिया 7th-8th century तक आते आते। राजा हरि सिंह, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ, पाकिस्तान की आर्मी वेश बदल करके, ट्राइबल का वेश बदल करके, उसके अंदर जब उनको ये लगा कि वो पाकिस्तान पे, कश्मीर पे अटैक कर देंगे, फिर उन्होंने नेहरू जी से हेल्प मांगी और लेकिन उसको सीज फायर किया गया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया वापस पाकिस्तान को कर दिया और ये कंडीशन लग गई कि प्लेबिसाइड होगा यूनाइटेड नेशंस में। अरे प्लेबिसाइड के साथ ठीक कंडीशन थी और इतने ज्यादा वहां पर अत्याचार हुए, औरतों को विरासत में उनके उनके जो हक थे, हुकूक थे, उनसे वंचित कर दिया गया। स्कैवेंजर्स को सिर्फ जो है काम करने के लिए बुलाया जाता था, म्यूजिकल स्कूल्स बंद हो गए, सिनेमास बंद हो गए और इतने ज्यादा कानून में बदले कि कोई बाहर का आके व्यक्ति वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता और अत्याचारों की जो है सुनामी आ गई। वो हिंदुस्तानी वहां पर मैं अपने आप को सेफ नहीं फील करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, मुझे याद है कि जब उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का एक संकल्प लिया था और उन्होंने कहा था कि मैं झंडा लाल चौक पर, ये उस 80 की बात है, 80 दशक में जिससे मैं चरम सीमा पर था वहां पर, तो उन्होंने कहा कि मैं जाकर के लाल चौक पर झंडा फहराऊंगा। उस समय राष्ट्रीय झंडे से वहां के सेपरेटिस्ट, वहां के आतंकवादी जूते को पॉलिश कर किया करते थे और लेकिन उन्होंने जाकर के लाल चौक पर, उन्होंने हैदराबाद के अंदर ये बोला, अरे जिसके माँ की लाल में दूध पिया है वो मुझको रोक के दिखा दे। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कन्याकुमारी से लेकर के और लाल चौक पर उन्होंने 15 मिनट में झंडा फहराया और उनके पर रॉकेटों का अटैक किया गया, उसके बाद भी वो निडर होकर के बचते हुए निकल गए। तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की राष्ट्रीयता का एक बहुत छोटा सा प्रतिबिंब है और वो मैं समझता हूं कश्मीरी फाइल को जिस तरह से उसमें दृश्य दिखाए गए हैं वो बहुत ही सत्यता पे आधारित है। जज टिक्कू को किस तरह से मारा गया, एक जज को ड्रम के अंदर उनकी वाइफ ने छुपा लिया और पड़ोसी ने बता दिया आतंकवादी को कि इस ड्रम के चावल के अंदर छुपे हुए हैं और
आतंकवादियों ने गोली से भून दिया और चावलों के साथ खून निकला और उन चावलों को उन जज साहब की पत्नी को खिलाया गया। ऐसी एक टीचर थी, उनको उनको वो 1990 में चली आई और उनको बाद में कहा गया, शायद सरिता नाम था उनका, कि आप आइए और आपको सैलरी हम वापस करेंगे। उनको झुलासा देकर के उनको वापस बुलाया और उनको फिर उनके साथ बलात्कार किया और उनको आरी से काटा। ऐसे ऐसे जघन्य अपराध अगर मैं आपको सुनाने लगूंगा तो ये बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि सिनेमेटिक लिबर्टी इज द एसेंस एंड द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हर एक को अधिकार है, उसको आप राजनीतिक जामा मत पहनाइए। वो कांग्रेस जिस तरह से इसका खिलाफत कर रही, मैं समझता हूं कि ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि इतनी जघन्य अपराध के बाद आप चुप बैठे हुए हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो विवेक अग्निहोत्री ने पिक्चर बनाई है बहुत सराहनीय है, उसमें अनुपम खेर जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और देखिए ऐसा है कि अगर इतिहास आप देखें तो अमेरिका में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने जब वियतनाम में अटैक हुआ 1975 में, उस समय उन्होंने अपनी कंट्री के ऊपर सटायर किया, बॉर्न इन अमेरिका, उन्होंने अपनी कंट्री को रिडिक्यूल किया। ऐसी स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक फिल्म बनाई थी शिंडलर्स लिस्ट, उसके अंदर जब नाजीज की एट्रोसिटीज हो रही थी जूस के ऊपर, तो उस समय एक आदमी निकल करके उसने सबको बचाया। तो एक ऐसा हमें उदाहरण एस्टेब्लिश करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान के अंदर सद्भावना फैले, जो कम्युनल हारमोनीज है वो डिवाइड, ये राजनीतिक लोगों के चक्कर में, अपीसमेंट के चक्कर में हमारे देश का इन्होंने बहुत नुकसान किया और लगातार करते आ रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अमित शाह जी को और मोदी जी को, उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को जो रिवोक किया है, और लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा जी जिस प्रकार से 2 साल से अंदर कश्मीर के अंदर फिर से मेन स्ट्रीम हिंदुस्तान का बनाना चाह रहे हैं, अखंड भारत का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, बहुत सराहनीय है। और डिजायर न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे मौका इस बात पर बोलने के लिए दिया। थैंक यू वेरी मच।